चार दस तक अभी हम पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं अभी मैहर में, मैहर स्टेशन में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम ऑटो लेने वाले हैं और ये रही हमारी ऑटो, चलते हैं मंदिर के पास, वहीं मुलाकात होती है। जय माता दी दोस्तों, आज हम आए हुए मैहर देवी मंदिर दर्शन करने के लिए अपने मित्रों के साथ। ये हमारे सारे मित्र यहाँ पे हैं, भाई भाई के लिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, अभी सारी दुकानें यहाँ पे बंद हैं। जय माता दी। अब चलते हैं यहाँ सीढ़ी के पास, फिर यहाँ से रुकने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। ये रुकने के लिए अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है और यहाँ बैठने की भी व्यवस्था अच्छी खासी है। चलो भैया, जय माता दी, जय माता दी। अब इतना चलने के बाद यहाँ आके फिर रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ भी भीड़ है आगे और वो सामने से वहाँ से अंदर जाना होगा। तो भाई गड़बड़ हो गया, हम लोग यहाँ चार लोग बैठ गए और एक भाई बाहर ही रह गया। हवाई निकालो भाई। चलो भैया, फिलहाल आज रुको, बैठने का मौका मिला है पहली बार। जय माता दी। और यहाँ से ये नीचे का नजारा है। यार इनको देने भाई सुनो ना, अभी तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये सामने ये स्टेशन रिकॉर्डिंग रुपये से यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, अब यहाँ लाइन में लगना होगा दर्शन के लिए। वही चलते हैं, आज यशुम भी आ गया ना भैया। फाइनली हम सब आ गए यहाँ पे, लाइन में लग गए हैं और प्रसाद लेके अंदर चलते हैं। काफी भीड़ है भाई, इतना ऊपर नीम का पेड़ लगा, नीम का पेड़ ऊपर है कहाँ? जमीन में देखा, नीम का पेड़ इतना ऊपर है, पहाड़ पे नीम का पेड़ था, पहाड़ पे मतलब पेड़ है ऊपर, ये तो बात है, पहाड़ के ऊपर ही नीम का पेड़ है। कहाँ था दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मैहर मंदिर से 9 किलोमीटर दूर। ये आप देख रहे हैं एक मंदिर है, पहाड़ के ऊपर स्थित है और यहाँ पर चारों तरफ ये हरियाली और काफ़ी शांति है। और ये अभी हम देखिए, आप जो ये कोई पेड़ है लेकिन काफ़ी पुराना पेड़ लग रहा है। अभी ये मंदिर का गेट है, मेन गेट, यहाँ से अंदर चलते हैं और यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। फिलहाल मैं दोस्तों अजमेरी सेठ अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और ये मंदिर का परिसर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अभी हम अंदर चल रहे हैं, जगह तो काफ़ी खूबसूरत है और ऊपर ये देखिए काले बादल यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे, शायद बारिश भी हो सकती है, हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे चलते हैं यहाँ से अंदर, ये देखिए। तो ये यहाँ से इस तरीके से कुछ है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और यहाँ से ये भाई कुछ अच्छा नीचे यहाँ पे ये मंदिर। अभी चलते हैं, अभी हम उस साइड मंदिर जाने, मंदिर से अंदर से यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता और यह इस साइड से। चलो भैया इस साइड से है और यहाँ पीछे कुंड है, दिखाते हैं वो कुंड भी इसी मंदिर के पीछे है शायद, यहाँ से ना दिखे, अभी नीचे चल के दिखाते हैं। ये रास्ता कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे आया हुआ, यहाँ पे मंदिर जो है ये शंकर जी का मंदिर है, ये देखिए। जय भोलेनाथ, सब यहाँ पे लग रहा है अपनी मन्नतें लिख के बांधे हुए हैं।
ये हनुमान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और पूरा इधर सन्नाटा है सामने यहाँ पे हनुमान जी। तो दोस्तों अभी हम ये आगे नीचे यहाँ पे आए तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे कुंड टाइप का है काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है। और ये देखिए अब तो ये हनुमान जी भाग ही गए ऊपर। फिलहाल ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक मंदिर यहाँ पे भी है शायद भगवान श्री कृष्ण का है। तो ये मंदिर अभी हमने दिखाया था यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का, तो यहीं बगल में यहाँ पे स्वामी नीलकंठ महाराज जी का भी यहाँ पे ये मूर्ति है। और यहाँ से कुछ इस तरीके से और भी यहाँ पे जाने का रास्ता इधर। जय गुरु, हाँ जय हो प्रभु। तो दोस्तों मैं अभी जहाँ पे आया हुआ था ये जगह क्या नाम है? ये रामपुर पाठा मैं है नीलकंठ आश्रम। तो अभी हम यहाँ पे आए तो पंडित जी बता रहे हैं कुछ जानकारी, हमें तो पता नहीं थी, पंडित जी आपको बताने वाले हैं, आप इन्हीं के माध्यम से समझें सुने। और कभी मौका मिले यहाँ पे तो मैहर देवी से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो पंडित जी आप ये नीलकंठ आश्रम है, महाराज जी यहाँ शेर के साथ रहकर तपस्या करते थे, संत और शेर एक साथ रहते थे। जब ये पता चला यह आदिवासी अंचल है, यहाँ के आदिवासी लोग देखा करते थे कि संत और शेर रहते हैं, तो ये नागौद विधानसभा है, नागौद स्टेट है, तो यहाँ के राजा पता लगाने आए थे संत और शेर देखने के लिए। तो महाराज जी ने उन्हें कुछ आदेशित किया था, तो ये शारदा जी में परम धाम बनाने की चेष्टा करो। और फिर राजा समर्पण भाव से काफ़ी संपत्ति दान में देकर महाराज जी के चिर चरणों में स्वयं समर्पित होकर के ये मंदिर निर्माण में बड़ा सहयोग किए, स्वयं समाधि भी यहीं लिए हैं। और ये नीलकंठ महाराज पहला मंदिर शिव जी का बनाई, तो त्रिवेणी गंगा निकली है जो आज भी अनवरत चल रही है, 24 आवर्स चल रही है। और राधा कृष्ण की विशाल प्रतिमा है जिसका देख करके आप स्वयं अनुभव किए होंगे। और ये गुरु महाराज की 250 वर्षों की अखंड धुनी और अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है जो आप सामने देख रहे हैं। अच्छा, जो महाराज जी की इनके गेरा आश्रम है, विशाल आश्रम है। कोयला मंदिर में महाराज जी 8 मार्च 1986 महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मलीन हुए, इनका आश्रम है। पुरानी कुटी, पन्नी खोल, गणेश घाटी, अमदरी काली माता, भरभरा आश्रम, नीलकंठेश्वर आश्रम, कुंभी सद्धारा आश्रम, खितौला आश्रम, इनके कई आश्रम हैं। ये गुप्त आश्रम है, माँ शारदा से 9 किलोमीटर की दूरी में पहाड़ में है। इसका बोर्ड प्रचार प्रसार नहीं है, भाग्यशाली पुरुष परमात्मा के श्री चरणों तक आ जाते हैं वो पुण्य उदय की बात होती है। ये महाराज जी संत थे, संत कहे को अवतार थी ये। अब तो संत पर्वत में आकर के प्रकाश दिख रहा है आपको, बताने की क्या जरूरत है, है? पर इसे बोर्ड लगाने से मना किए थे गुरु जी, की बोर्ड लगाने का मतलब होता है व्यापार, तो ये व्यापार की जगह नहीं, ये प्रेम की जगह है। यहाँ लक्ष्मीपति मायापति स्वयं विराजमान है, पुण्यात्मा पहुँच कर यहाँ का दर्शन कर प्रकाशित हो, सुख समृद्धि शांति मिले, यहाँ से अमंगल समाप्त होता है। क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जिसका मन जीता वो गोविंद के धाम में खड़ा है, जिसका मन हारा वो मैहर में दर्शन करके रेस्टोरेंट में सो रहा है, रात में ट्रेन पकड़ लेगा। हैं, तो ये पर्वत में सब लोग नहीं आ पाते हैं, पर्वतों में परमात्मा का वास है, चाहे त्रिकुट पर्वत, चाहे चित्रकूट पर्वत, चाहे शारदा माँ का पर्वत, चाहे रामपुर धाम नीलकंठाश्रम का पर्वत, पर्वत में ही परमात्मा का वास होता है और वहीं सिद्धियाँ प्राप्त की हैं महाराज जी। हाँ, वैसे ये लाइन आपकी अच्छी लगी कि मतलब पर्वत में परमात्मा का वास होता है। बात सही है, जितने बिंद पर्वत हैं आप देखें, कैलाश पर्वत हर जगह पर्वतों में ही तो परमात्मा शक्तियां पर्वतों में प्राप्त होती हैं, क्योंकि कोई भी संत पर्वतों में रहकर ही एकांत भाव से शक्ति और सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्रीमद भागवत कथा में नीलकंठ महाराज एक वर्णन लिखे थे कि संत कौन है, संत की परिभाषा क्या है, संत किसको कहा जाता है कलयुग के बारे में, क्योंकि वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता थे, अवतारी पुरुष थे। तब उन्होंने कहा कि संत बिरले थे, बिरले हैं, बिरले रहेंगे। कलयुग में संत ढोंग रहेंगे और मंदिर व्यापार के रहेंगे ज्यादातर, जो संत हैं वो दिखाई नहीं देंगे,
वो संत कंदराओं में घुसे जगत के कल्याण की कामना करेंगे। उन्हें भारत भोजन और राग द्वेष से मतलब नहीं रहेगा, उन्हें सिर्फ विश्वास के नारायण से मतलब रहेगा, जो इस सृष्टि को थामे बैठा है। ठीक है, फिर लिखते हैं कि संत कलयुग में है कौन। तब उन्होंने लिखा है कि कलयुग में जो अपने परिवार का भरण पोषण करके, अपने पूरे परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करके फिर भी परमात्मा के चरणों में झुकने आया है, कलयुग का सबसे बड़ा संत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? पिता स्वयं नारायण की सेवा कर रहा है, माता स्वयं महालक्ष्मी की सेवा कर रहा है, पत्नी स्वयं लक्ष्मी की सेवा कर रहा है, बेटी स्वयं दुर्गा सरस्वती शारदा है जिसकी सेवा कर रहा है, बेटा ध्रुव और प्रहलाद की सेवा कर रहा है। मेहनत मजदूरी परिश्रम नौकरी बिजनेस करके पूरे परिवार को पालकर, पूरे परिवार के उत्तरदायित्व को पूरा कर, फिर भी उसका विश्वास इस निर्जन वन में गोविंद के चरणों में झुकने आया है, तो कलयुग का सबसे बड़ा संत वही कहलाएगा जो पूरे उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है। संत विरले थे, विरले हैं, विरले रहेंगे, संत आज भी हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं। कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत गुरु एक ही है और ये सब पंडा पुजारी स्वयं गुरु बनना चाहते हैं, वहीं प्रसन्नता और लक्ष्मी का भास होता है, और जहां प्रेम समाप्त हो जाता है वहां फिर परेशानी ही परेशानी पल पल में है। आप काल बन के आ रहे हैं फिर भी हम आपको प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी मंदिर परिसर में थे तो पता चला कि ये पीछे से एक रास्ता ये इस तरीके से कुछ आता है और ये इस पुलिया को पार करते हुए आगे कहीं जा रहा है। चलते हैं देखते हैं वहाँ पे कैसे नज़ारे हैं। फिलहाल आप मेरी वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। भाई कुछ ना कुछ चीज़ें तो अच्छी लगी ही होंगी क्योंकि इतने सुंदर नज़ारे और मौसम क्लाउडी और यहाँ पर चारों तरफ सुनसान कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं यहाँ के नज़ारे क्या, क्योंकि दूर से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैमरे में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये लोहे की रेलिंग लगी हुई है और ये नीचे भाई तो वाह काफी हाइट पर है। और ये रहा कुछ नज़ारा यहाँ पे यूं ऐसा वाह, और ये नीचे पानी गिर रहा है वो कहीं वहाँ पे ये रहा।